कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर बना रही हूँ, तो डीप में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस मैंने रेसिपी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो नॉर्मल जैसे सभी लोग बनाते उसी टाइप से मैं भी बना रही हूँ। तो मसाले में मैंने मतलब भून के डाला है, जैसे अदरक लहसुन और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और कुछ काजू, तो सबको मैंने फ्राई करके ग्राइंड करके मसाले में तैयार मैंने किया है। और यहाँ पे मसाले वगैरह पक चुके, अच्छे से भून चुके, तो इसमें मैंने फ्रेश क्रीम, ताज़ी मलाई डाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो मैं तकरीबन सारी सब्जियों में ये डाल देती हूँ, हरी सब्जियों में नहीं, मतलब इस टाइप की जो भी सब्जी होती है तो उसमें मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ, घर की जो फ्रेश मलाई होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मटर पनीर तैयार हो चुकी है। तो बस मैंने रेसिपी डीप में इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि सभी लोग को तो आता ही बनाने, नॉर्मल सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मतलब कि मॉर्निंग का टाइम, मतलब तकरीबन 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो मैं आज अपने मतलब रूम की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि क्योंकि मैं अभी कुछ दिन से यहाँ पे नहीं थी, मायके गई थी, तो अभी काफ़ी गंदा हो गया है तो मुझे साफ़ करना, सफाई करना है। वैसे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली है, तो काफ़ी डस्ट वगैरह है तो वो मैं अभी साफ़ करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता क्लीनिंग करने का। और अभी बैग वगैरह मेरे सारे ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी मैंने कुछ भी निकाला नहीं है। तो पहले चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर देना। तो पहले मैं क्लीनिंग करूँगी और सारे बैग वगैरह मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं। और बच्चे मतलब दिन में मैंने मतलब क्लीन कर दिया था, लेकिन बच्चे जो होते हैं करती हूँ, बच्चे तो होते ही हैं तो मुझे करनी है। और सारा कपड़ा वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझे सब करने हैं। मेरा बैग भी ऐसे ही रखा हुआ है तो वो भी मुझे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने रूम को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। एक बार मॉर्निंग मैंने क्लीनिंग कर दी है बट डस्ट वगैरह काफ़ी हो गया है बेड पे, और तो वो मुझे साफ़ करना, क्लीन करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में और थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज अब घर के मतलब मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह मैंने मॉर्निंग में मैं कर देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि बेड वगैरह ठीक नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं काफ़ी दिनों से मम्मी के घर गई थी तो काफ़ी डस्ट वगैरह हो गया था। तो मतलब ये मम्मी से घर से आने के एक दो दिन के बाद का वीडियो है। तो ये मैंने मतलब दो पार्ट में इसको मतलब कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला मैंने शेयर किया था जो मैंने किचन क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैं रूम वगैरह साफ़ कर रही थी। तो ये मैंने नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं रूम मतलब डस्ट वगैरह मैं सही कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, एक्चुअली मॉर्निंग में मैं ठीक कर देती हूँ बट बच्चे होते हैं ना, ठंड का मौसम है तो यहीं पे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो दिन भर ऐसे ही होता रहता है। और मॉर्निंग में तो डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ गाइस क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। Thank you.
सो गाइस, यहाँ पे बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है, तो मुझे अब झाड़ू वगैरह भी लगाना था क्योंकि डस्ट वगैरह क्लीन, इसके बाद मैं डस्ट वगैरह थोड़ी क्लीन करूँगी, तो उसके बाद मुझे झाड़ू भी लगाना था। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से डस्टिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नहीं थी, अपने मम्मी के घर गई थी और फिर थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो दिन में मैं कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आई हूँ, तो यहाँ पे बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था, यहाँ पे बेटी मेरी सो रही थी तो मैं बस हल्का झाड़ू मार दे रही थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आई थी, तो यहाँ पे थोड़े सब्जी वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, तो उसे मैं अभी क्लीन करके और उसको उसके बाद उसे फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे डुग्गू देखिए टीवी देख रहा था, तो आज ठंड मतलब थी, तो सभी बच्चे मतलब घर में ही मतलब खेलने नीचे भी नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे डुग्गू देख रहा था कि कैमरा ऑन है, तो वो अपना मुंह ढक लिया, बोला मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, तो मैंने उसे देखिए इस तरह से हटा दिया, तो हंसी भी मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने सब जगह लगा लिया है। गाइज, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो वॉच नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अब बिल्कुल मन नहीं करता है कि वीडियो वगैरह मतलब डालूँ, अपलोड करूँ, बनाऊँ, क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अब समझ में भी नहीं आता है कि किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ और कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी आप लोग वीडियो पसंद नहीं करते, तो मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं। और बहुत लोग चैलेंज वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं मतलब हमेशा चैलेंज वाली वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं नहीं बना सकती हूँ हमेशा, कभी कभार मैं एक दो बना लेती हूँ, बट मैं यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं काफ़ी थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी मुझे डुग्गू को होमवर्क करवाना है, बेड वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है एकदम, और फिर ये तो फिर वैसे ही हो जाएगा, मुझे पता है डुग्गू महास है, उसे फिर वैसे ही कर देंगे। अभी डुग्गू को मुझे मतलब होमवर्क भी करवाना है और उसके बाद अभी चाय पीऊँगी, तो चाय पीने के बाद थोड़ा मेरा मन अच्छा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी थक चुकी हूँ, और ये तो मुझे करना ही करना था क्योंकि जब तक मैं इसे साफ़ नहीं करती रूम को, तब तक मुझे नाइट को तो मैंने बस ऐसे ही क्लीन मतलब झाड़ू वगैरह लगा के बेड वगैरह ठीक कर दिया था, बट जब तक मैं डस्ट वगैरह नहीं हटाती तो मुझसे सोया नहीं जाता है। और आप लोगों को थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ा सा डिफर लगेगा क्योंकि जुकाम वगैरह थोड़ा हो चुका है, तो और पानी वगैरह भी चेंज होने से काफ़ी मुश्किल होती है, तो फाइनली हो चुका सब कुछ और अभी मैं जाऊंगी, मतलब अभी 5:30 बज चुके हैं, तो मैं डिनर जल्दी बनाऊंगी और डिनर में मैं देखती हूँ क्या बना, तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में, खास करके जो हम लोग हाउसवाइफ होते हैं बहुत टाइम निकाल करके सब कुछ शेयर करते हैं, रेसिपी हो या अपना रूटीन वर्क हो, तो हर चीज़ में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, जो भी है उनको पता ही है, तो सिंपल ऐसे वीडियो बनाने में नहीं लगता, बस ब्लॉगिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। गाइस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।